हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य विद्यापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिलेंडर। आज की वीडियो में अपन ने बेलन, जो अपना बेलन होता है, सिलेंडर होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेंडर जो होता है उसका व्यापक समीकरण क्या हो सकता है, उसकी जो इक्वेशंस होती है उनको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उनके आज की वीडियो में अपन ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर दो टाइप की जो शेप्स होती है, स्फीयर और कोण, इन दोनों को अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, आज अपन नया टॉपिक जो सिलेंडर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सिलेंडर बेलन, बेलन को बनाने के लिए यहाँ पर जो है एक होती है जनक रेखा और एक होता है अपना शंकु। ठीक है, यहाँ पर अपने को दो तरह की जो चीज़ें होती है उनको पढ़ना है, उनको लेके चलना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ जनक रेखा की, कि इसकी एक जनक रेखा होती है जिससे ये क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, जनरेटर लाइन उसको अपने बोलते हैं। ठीक है, और उसका इक्वेशन अपन नॉर्मली क्या लेते हैं, एक्स अपॉन एल वाई अपॉन एम और जेड अपॉन एन। ठीक है, ये लेते हैं। और दूसरा अपन यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, एक शंकु लेके चलते हैं और एक प्लेन लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए शंकु के लिए इक्वेशन रहती है जेड इक्वल टू, उसमें क्या रहता है, जीरो रहता है। तो जेड इक्वल टू जीरो होगा तो अपना जो शंकु का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इक्वल टू जीरो। ये एक शंकु का समीकरण अपन यहाँ पर लेके चलते हैं। शंकु का समीकरण अपन ने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं कि शंकु किस तरह से अपन डिनोट करते हैं और किस तरह से उसकी इक्वेशन को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें अपने क्लियर होनी चाहिए। इन्हीं ही जो इक्वेशन होगी इन्हीं की हेल्प से क्या करेंगे अपन, जो इक्वेशन जो हेल्प, ये जो लाइंस आपको दिख रही है और ये जो शंकु आपको दिख रहा है, इन्हीं की हेल्प से अपन क्या करेंगे, बेलन की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे बात की जाएगी कि ये जो लाइन दी गई है इस लाइन के समांतर और इस मतलब पर्टिकुलर केस से गुजरने वाला, यानी इस शंकु से गुजरने वाले जो बेलन का इक्वेशन होता है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अपन उस पर कोई पॉइंट लेंगे, यानी उसके समांतर अगर अपने को लेना है तो उस पर एक बिंदु लेते हैं। कोई भी बिंदु हो सकता है, अल्फा बीटा गामा एक्स वन वाई वन जेड वन, कोई भी यहाँ पे पॉइंट जो है उसे लेते हैं। तो उसको इस लाइन से गुजारते हैं, तो उसको इस लाइन से गुजारेंगे तो अपने क्या रहेगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई एल वाई माइनस वाई वन बाई एल एम और जेड माइनस जेड वन बाई एन। अब अपन इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि z इक्वल टू जीरो, तो जब अपन z इक्वल टू जीरो अगर इस लाइन में पुट करेंगे तो वहाँ से अपन x और y का क्या मान निकालेंगे, मान निकालेंगे, और वहाँ से जो x और y का जो मान होगा उसको इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, बेलन का जो समीकरण होगा वो अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, एक क्रिटिकल फॉर्म में फाइंड आउट होगा, पर अपने को यहाँ पर मतलब इसको सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बेलन का जो अगर अपने को पर्टिकुलर इक्वेशन निकालना है तो अपने को किस तरह से निकालना है, यानी जो जनक रेखा होती है उस जनक रेखा के समांतर अगर अपने को समीकरण निकालनी है तो पहले तो ये समांतर रेखा की समीकरण होगी और फिर इस समांतर रेखा में अपन क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ से अपने पास में किसके मान आ जाएंगे, एक्स के और वाई के जो मान होंगे वो फाइंड आउट हो जाएंगे। और एक्स और वाई के मान अगर अपन इस शंकु में रखेंगे, अब ये शंकु अपने को क्वेश्चन में कोई भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह की इक्वेशन अपने पास में उसमें जो गिवन होगी उसी की हेल्प से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ऐसे ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अपन कोई भी बेलन का जो इक्वेशन होता है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो देखिए आपको गिवन है
आपको एक शंकु का सॉरी बेलन का समीकरण जो है वो फाइंड आउट करना है। उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी जनक रेखाएं, अब देखो जनक रेखाएं के लिए कंडीशन दी हुई है y अपॉन माइनस टू और z बाई थ्री के समांतर हो। मैंने कहा था कि इस एक जनरेटर लाइन दी हुई होगी और उसके समांतर लाइन जो है वो अपने को निकालनी होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो शंकु है उसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वन इससे गुजरता हो और जेड इक्वल टू जीरो भी हो, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था उसी तरह से अपने को यहाँ पर चलना है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ दिख रही है, पहले तो आपको इसके समांतर जो लाइन होगी उसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसके जो समांतर लाइन है, अब इसके समांतर लाइन में सबसे पहले अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन करना होगा जो इसके क्या होगा, इसके समांतर लाइन के ऊपर क्या होगा, स्थिति होगा। तो अपन सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना अल्फा बीटा गामा एक बिंदु है जो जनक रेखा के समांतर रेखा पर स्थित है, या मैं कह देती हूँ कि जो जनक रेखा के समांतर जो लाइन गुजरती है उस लाइन पर स्थित ये बिंदु है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो अपना जो जनक रेखा की जो समांतर लाइन होगी यानी उस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस एल्फा बाई वन वाई माइनस बीटा बाई माइनस टू और जेड माइनस गामा बाई थ्री, ठीक है। अब मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि जब अपने ये समांतर लाइन की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट हो जाती है तब अपन क्या पुट करते हैं, जेड इक्वल टू जीरो जो है वो पुट करते हैं। तो इसमें आप क्या कीजिए, समीकरण एक में जेड इक्वल टू जीरो से, तो जब आप जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स माइनस एल्फा बाई वन वाई माइनस बीटा बाई माइनस टू और यहाँ पर जैसे ही आप जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा बाई थ्री, क्लियर होगी। अब यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स और वाई की जो पॉइंट्स होंगे उनको अपन यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिख रख दीजिए, यानी जेड इक्वल टू जो जीरो प्लेन होगा वो इस बिंदु पर काम लेगा, बिंदु आ जाएगा अपना, यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगा एल्फा माइनस गामा बाई थ्री, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, एल्फा x बराबर आ जाएगा एल्फा माइनस गामा बाई थ्री, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है उसमें अपन जब करेंगे तो बीटा प्लस टू गामा बाई थ्री, ठीक है, ये आ जाएगा दूसरा पॉइंट यानी वाई की कंडीशन। और जेड अपना क्या चल रहा है, जीरो चल ही रहा है। अब इसको क्या करना है, इस शंकु की जो इक्वेशन अपने पास में दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, यहाँ पर अपने को क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पर एक्स और वाई का जो कोफिशियंट है उनकी वैल्यू अपने को पुट करनी है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए अपने पास आएगा एल्फा माइनस गामा बाई थ्री का स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस टू गामा बाई थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। अब इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा खोल के जो है वो अपन सरल कर लेते हैं, और खोल के जब अपन इसको सरल करेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको खोल लेते हैं, यहाँ से इसको खोला तो एल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाई नाइन प्लस टू सॉरी माइनस टू बाई थ्री एल्फा गामा प्लस हो गया टू और इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस फोर गामा स्क्वायर बाई नाइन प्लस फोर बाई थ्री
बीटा गामा, ठीक है, इक्वल टू वन। अब अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अपने को पता है नाइन आएगा, तो नाइन जो है वो उधर चला जाएगा, तो इधर देखिए क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा नाइन एल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस गामा स्क्वायर माइनस सिक्स एल्फा गामा, ठीक है, इतना आ गया। प्लस यहाँ पर आएगा टू टू बीटा स्क्वायर, यानी टू भी इधर नाइन भी आएगा, तो आ जाएगा अट्ठारह बीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आएगा एट गामा स्क्वायर, ठीक है, और फिर आएगा अपना बारह चौबीस चौबीस बीटा गामा, ठीक है, इक्वल में आ जाएगा नाइन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, और सिंप्लीफाई करेंगे और फिर अपन एल्फा बीटा गामा की जगह, ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने वाली जो इक्वेशन है वो आएगी, और इसका अगर अपने को बिंदु पथ में लाएंगे तो इसको अपन जो एक्स वाई जेड से क्या कर देंगे, रिप्लेस से कर देंगे। तो देखिए यहाँ से अपने पास इक्वेशन बन गई नाइन एल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, कितना बन गया यहाँ पे, नाइन गामा स्क्वायर बन गया, नाइन गामा स्क्वायर प्लस एटीन बीटा स्क्वायर, इतना आ गया। उसके बाद में आ गया माइनस के सिक्स एल्फा गामा प्लस के ट्वेंटी फोर बीटा गामा इक्वल टू नाइन, ठीक है। अब देखिए, अब जो अपना इसका बिंदु पथ बनेगा, बिंदु पथ जो है वो किस तरह से बनेगा, तो बिंदु पथ के लिए अपन देखिए क्या होगा, अपना जो इक्वेशन होगा वो, सॉरी यहाँ पे ट्वेल्व ही आएगा अपने पास, जो ये यहाँ पर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, नहीं 24 बनेगा। आप इसको बुक में सही कर लीजिएगा, बुक में इसमें इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर अब अपने को क्या करना है, ये तो एल्फा बीटा और गामा से गुजरने वाला है, अगर अपने को इसका बिंदु पथ निकालना है तो एल्फा बीटा गामा को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे। एल्फा बीटा गामा से गुजरने वाला जो बेलन है उसका इक्वेशन तो ये आ गया, तो इसका जो बिंदु पथ है वो क्या आ जाएगा, का बिंदु पथ। और जब भी अपन बिंदु पथ की बात कर लेते हैं तो जो अपना जो भी अपना कांस्टेंट होता है या जो भी अपना पॉइंट होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, एक्स वाई जेड से। तो यह आ जाएगा नाइन, अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस छः एल्फा यानी एक्स और गामा यानी जेड प्लस 24 वाई जेड इक्वल टू नाइन, ये क्या आ जाएगा अपने बेलन का समीकरण जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन जो बेलन का इक्वेशन जो है उसको इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। बेलन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो अपने पास में क्या, एक तो जनक रेखा दी हुई होगी, उसके अपने को समांतर जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी होगी, फिर उसमें जेड इक्वल टू जीरो की कंडीशन अप्लाई करके वहाँ से एक्स और वाई का जो मान है उसको निकालना होगा, और एक्स और वाई का मान जो अपने को गिवन सांकव होता है उस सांकव के समीकरण में क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो इस तरह से अपने पास क्या आ जाएगी, सिलेंडर की जो इक्वेशन होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो सिलेंडर के बारे में, आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।